नोएडा कमिश्नरेट को आज एक साल पूरा होने पर जिले भर के अनेक पुलिस कोतवाली एवं थानों में आज एक जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साल भर में होने वाले कार्यों की समीक्षा के साथ साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए वरिष्ठ लोगों के सुझाव भी लिए गए। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूँ आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जहांगीरपुर का मैं देखता हूं कि वहां भी मतलब इस क्षेत्र में अपराध एक वर्ष में काफी कम हुए हैं, और अगर कभी कोई आवश्यकता पड़ती है, इससे पहले मेरे को यहाँ आना पड़ता था अगर कोई कॉलेज की कोई समस्या है, परंतु अब फोन से ही समस्या हल हो जाती है। ये प्रक्रिया जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बनाई, उससे जनसाधारण को फायदा हुआ है। क्राइम में कम से कम मेरे हिसाब से, और तो आंकड़े बताएंगे, 50% की कमी है। एक मेरा सुझाव है, सब मूवमेंट अपने स्टाफ का बढ़ा दिया जाए तो आगे उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी, अपराध के साथ साथ आप उसमें वृद्धि होगी। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज कोतवाली में जो कमिश्नरी बने हुए एक साल पूरा हो गया है, और उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जेवर के जहांगीरपुर के जो महानुभाव हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन सभी को बुलाया गया था। बाबू जी, कैसा रहा कार्यक्रम आज? कार्यक्रम सफल रहा, बहुत अच्छा रहा, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि एक साल पूरा हुआ है। कमिश्नर रेट जो यहाँ पे नियुक्त हुआ है, उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्या कहेंगे आज जो एक साल पूरा कमिश्नरी को हुआ है, जिसके उपलक्ष में हमारे कोतवाल साहब ने जो यहाँ एक मीटिंग आउट की, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, फिर प्रेस वालों का। तीसरी चीज़ ये कि जब से ये कमिश्नरी बनी है, तब से हमारे इस क्षेत्र में भी और जेवर कोतवाली के चारों तरफ क्राइम बहुत कम हुआ है, और बड़े सफलतापूर्वक कोई केस होता तो उसकी सुनवाई भी अच्छी तरह से की जाती है। हमें आशा है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, जिससे कि आम जन की भावना थाने के प्रति और कोतवाली के प्रति ऐसी रहेगी कि जो हमारी सरकार का एक उद्देश्य है कि वहाँ जाएं और सबकी समस्या का निवारण हो। और जी, कौन कौन लोग शामिल रहे आज और क्या निष्कर्ष निकला आज की मीटिंग का? देखिए, आज जो कोतवाल साहब ने मीटिंग बुलवाई है, वो बहुत ही सफल मीटिंग रही है। क्षेत्र एवं नगर के प्रतिष्ठित लोग और या में सारे जो लोग आए हैं, सब ने अपने अपने सुझाव रखे, और उन्होंने वो सुझाव बाकायदा नोट किए हैं, और उम्मीद है कि अगले वर्ष 2021 में जो अपराध हैं अपने कोतवाली जेवर में, वो और कम होंगे। तो अपराधों पर लगाम लगाने को लेकर सबसे ज़्यादा सुझाव दिए गए हैं, अब देखते हैं आने वाले एक वर्ष में क्या कुछ फ़ायदा होता है इन सुझावों का। नीतीश छोंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। उसमें थोड़ा समय जहाँ संदिग्ध की स्थिति हो, वहाँ पर थोड़ा समय समाज को भी मिलना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, प्रस्ताव है, 6 से 10 बजे तक पुलिस विभाग के कोई दो महानुभाव वहाँ पहुँच जाए, जिससे कि वहाँ शांति बनी रहे। धन्यवाद। इसी तर्ज पर जेवर में भी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जेवर के अधिशासी अधिकारी दिनेश शुक्ला भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम के बारे में अपनी राय रखी। कमिश्नरेट का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज जो एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां पर जेवर के अधिशासी अधिकारी दिनेश शुक्ला मौजूद रहे हैं। उनसे जानेंगे, सर क्या कुछ हुआ आज के कार्यक्रम में, बताएं। गौतम बुद्ध नगर में एक वर्ष कमिश्नरेट व्यवस्था को पूरा हुआ आज, तो जेवर कोतवाली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें माननीय हमारे की जो गणमान्य लोग हैं जेवर के, वो बुलाए गए थे, और जो चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, सभासद हैं, और यहाँ के जो भी जागरूक नागरिक हैं, वो सारे लोग आए थे।
और एसएचओ साहब के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ था और अपने जो इनका मृदुभाषी स्वभाव है, सबसे हंस बोल करके बात करने का है, उससे यहाँ की जो जनता है बहुत खुश है। और एक वर्ष जो पूरा हुआ है उसमें पब्लिक को भी काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी अच्छा लगा है और ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा सुझाव भी रखे गए हैं जिसको एसएचओ साहब ने नोट किया है, उसमें परिवर्तन करने के लिए, कराने के लिए। ऊपर से चूँकि शासन का सिस्टम है, अपने स्तर से जो दो ज़िले थे बड़े उनमें लागू किया गया, उसी नोएडा में भी लागू किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये कार्यक्रम होता रहना चाहिए। एसएचओ साहब भी कह रहे थे कि जनता के बीच जो संवाद है वो प्रतिमाह जो है आयोजित होता रहे, कम से कम एक दूसरे से आदान प्रदान होगा, जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनसे रूबरू होंगे और सबसे मुख्य चीज़ जो है जनता का अधिक से अधिक हित। जेवर एसएचओ उमेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जेवर और जहांगीरपुर के अनेक वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ पुलिस स्टाफ के भी लोग मौजूद रहे। तो आज कमिश्नरेट का एक साल पूरा हुआ है और पुलिस विभाग द्वारा सुझाव लिए गए हैं लोगों के कि ये एक साल कैसा रहा। अब आने वाले एक साल में देखते हैं क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है और कैसा रिजल्ट रहता है। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। इस अवसर पर जेवर के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब अली, पूर्व नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा के अलावा बीजेपी के अनेक कार्यकर्ता एवं जहांगीरपुर से अशोक वर्मा, पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल नवीन शर्मा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आए अनेक वरिष्ठ महानुभाव भी मौजूद रहे। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।